थिंग इसका न्यूट्रल लगा हुआ था अपना, इसको बताते हैं इसको अपने जो यूटीएल सोलर का इन्वर्टर जो अपने लगाया है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके कनेक्शन वगैरह कैसे होंगे। तो एक बार आपको मैं पीछे से इसको दिखा देता हूँ कि आपके कुछ इसके कनेक्शन हैं। ये आपका चेंज ओवर स्विच है, यूपीएस मोड पे चलाना है या फिर बाईपास मोड में चलाना है इसको। ये आपकी इनपुट सप्लाई की एमसीबी है, इनपुट को आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। प्लस इसके साथ में यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कनेक्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। और इसके साथ में ही आपका यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट्स जो आ रहे हैं, दो टर्मिनल्स हैं, ये आपके सोलर के थ्रू जो आ रहे हैं वो वाले टर्मिनल्स हैं। और ये है आपके जो बैटरी है अपनी 48 वोल्ट बैटरी को सीरीज में करते हुए बनाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 48 वोल्ट बना के इस इन्वर्टर को अपन ने दिया हुआ है। ये इन्वर्टर की डीसी एमसीबी है बैटरी को ऑन करने के लिए, कि आपकी बैटरी ऑन है या नहीं है, इन्वर्टर की बैटरी ऑन करना है या नहीं करना, तो उसके लिए आप इसको स्विच कर सकते हो। जैसे ही मैंने इसको ऑन करता हूँ तो इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट शो होगा आपका। इसके डिस्प्ले में कुछ आउटपुट फ्रिक्वेंसी, अभी इसके ऊपर कोई लोड नहीं डाला हुआ है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी आ रहा है, फिर लोड लेवल आ रहा है लेस देन 25% है। और ऐसे ही इसके अंदर आपकी बैटरी वोल्टेज जो आ रहा है वो है आपका, और बैटरी का स्टेटस जो दिखा रहा है, स्टेटस अभी यानी कि चार्जिंग हो रहा है। सिस्टम अपना ऑफ है अभी, तो इसको जैसे कि अब जैसे ही एसपीवी चार्जर भी अपना है। आइए अब अपन देखते हैं कि अपने जो इसके कनेक्शंस कैसे किए हुए हैं, कहां से अपने सोलर पैनल लगा हुए हैं और उनकी सप्लाई कैसे आ रही है और इनको कैसे कनेक्ट किया हुआ है। ये जो आप सोलर पैनल देख रहे हो, ये आपके 325-325 वाट के सोलर पैनल्स हैं। 6 पैनल्स आपके लगाए हुए हैं। टोटल पूरा सिस्टम आपका है, आपका 2 किलोवाट का सिस्टम है। और अपन ने इनके साथ में कुछ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, दोनों टाइप के कनेक्शन बना के इनके साथ में कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरफ कि जो इस बार हम अपन ने जो कनेक्शन किया है बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर, बिल्कुल केबल टाइज वगैरह लगा के इनको साथ में किया हुआ है, ताकि अपनी केबल्स कुछ झूले ना। पहले इसके जो कनेक्शन आपके दे रखे थे इन्वर्टर को, वो डायरेक्टली ऊपर से ओवरहेड जैसे अपनी लाइंस आती हैं, वैसे ओवरहेड लाइंस के थ्रू इसके कनेक्शन दिए हुए थे। लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि ओवरहेड अगर अपन करते हैं तो इनकी वायर्स की जो सेफ्टी पर्पज होता है, वो सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत कम हो जाती है, यानी कि धूप में जो अपनी वायर्स है वो डैमेज हो जाती है। इस कारण हमने जो इस बार किया है तो बिल्कुल प्रॉपर केबल टाइज एंड कंड्यूट में बांध के इनको वायर्स को पूरा अपना इन्वर्टर के ऊपर तक लाया गया है। जैसा कि आप यहाँ तक देख सकते हो, इसके थ्रू अपना यहाँ पे इन्वर्टर की सप्लाई के ऊपर आ रखा है और इधर से अपना इन्वर्टर के पास में आके कनेक्ट कर रखा है। ये आपके जो दो वायर आ रहे हैं ये सोलर पीवी से आ रहे हैं, जो इसको इन्वर्टर के ऊपर कनेक्ट कर रखे हैं।